सब्सक्राइब कीजिए स्टॉक प्रो टिप्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए स्टॉक मार्केट रिलेटेड टिप्स सबसे पहले पाने के लिए। प्लीज रीड द डिस्क्लेमर केयरफुली। इट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन वेदर टू बाय सेल और होल्ड द स्टॉक्स मेंशन इन दिस वीडियो। वी आर नॉट गिविंग एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन इन दिस वीडियो। दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में 18 अक्टूबर के लिए इंट्राडे का ट्रेड सेटअप के बारे में बात करने वाले हैं, तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। आज के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट 104 पॉइंट ऊपर खुलने के बाद अपना ओवरबोर्ड जोन को सस्टेन नहीं कर पाया। इसके बाद इसमें भारी गिरावट देखी गई और आज इसने इंट्राडे के दौरान 10,710 का हाई बनाया और वैसे ही 10,436 पे इसने अपना लो बनाया और उसी के पास 10,453.05 पे ये अपना क्लोजिंग देता है। जैसे कि हम देख सकते हैं अभी निफ्टी 50 का फ्यूचर 10,406.25 पे चल रहा है और अगर हम रुपी का डॉलर के मुकाबले वैल्यू देखें तो ये अभी 73.46 का चल रहा है जो कि कल के लेवल से ऊपर है, तो ये हमारे मार्केट के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। अगर हम ग्लोबल मार्केट की ओर रुख करते हैं तो हम देख पा रहे हैं अभी डाउ जोन्स लगभग 210 पॉइंट्स नीचे चल रहा है और नैसडैक भी अभी लगभग 44 पॉइंट नीचे चल रहा है, तो हम कल के लिए लेवल्स को चेक करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं अक्टूबर एक्सपायरी सीरीज के लिए लगभग सारे के सारे ऊपर के लेवल्स में फ्रेश सेलिंग हुआ है। 10,500 से लेके 10,800 लेवल्स में फ्रेश सेलिंग हुआ है और अगर हम पुट साइड में देखें तो 10,300 और 10,400 पे लोगों ने अपना सेल्स अपना पोजीशन को एग्जिट किया है और वैसे ही लोगों ने और नीचे के लेवल्स में 10,100 और 10,200 में भी अपने पोजीशन को एग्जिट किया है। अभी हम निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा का एनालिसिस करेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अभी 10,400 लेवल्स पे पुट कॉन्ट्रैक्ट्स में जबरदस्त गिरावट देखी जा सकती है और उसी लेवल पे लोगों ने कॉल इन द मनी कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स भी ऐड किए हुए हैं, तो कल के लिए ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के रूप में देखा जा सकता है। अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो हम 10,300 और 10,200 की ओर बढ़ेंगे। अगर हम कॉल साइड में देखें तो अभी हम इस लेवल पे हैं 10,450 और 10,500 के लेवल के बीच में और इमीडिएट सपोर्ट के लिए हम 10,500 को कभी कंसीडर नहीं करते हैं, इसीलिए हम 10,600 को एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल के रूप में देख सकते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा का एनालिसिस करें तो हम देख सकते हैं 25,100 पे आज लगभग 5.99 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स पुट साइड में ऐड हुए हैं, तो इस लेवल पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट देखा जा सकता है, तो हम इस लेवल को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के रूप में कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए देख सकते हैं। अगर हम कॉल साइड में देखते हैं तो 25,500 के लेवल्स पे लगभग 11,20,880 कॉन्ट्रैक्ट्स आज ऐड हुए हैं, तो हम इस लेवल को एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल के रूप में कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो यहाँ आपको इंट्राडे ट्रेड सेटअप के अलावा पर्सनल फिनेंस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, तो ऐसे ही ऑसम कंटेंट को पाने के लिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। आरबीआई ने राणा कपूर के टर्म में एक्सटेंशन करने से मना कर दिया है और इसके साथ साथ नए सीईओ के अपॉइंटमेंट के लिए February 1, 2019 तक का टाइम दिया हुआ है, तो इसी वजह से आपको येस बैंक के शेयर में फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाने से बचना होगा क्योंकि आगे आने वाले टाइम में इसमें और ज़्यादा गिरावट देखी जा सकती है। आज वेडनेसडे हाथवे केबल ने अपने 2,940 करोड़ का शेयर को रिलायंस जियो को अलॉट करने का ऐलान किया है और इस इशू का प्राइस होगा 32.35 रुपीस पर इक्विटी शेयर। इसी वजह से कल के ट्रेडिंग सेशन में इसमें एक अच्छा उछाल देखा जा सकता है।
और इसके साथ साथ डेन नेटवर्क ने भी 2045 करोड़ रिलायंस जियो के लिए अलॉट करने का भी ऐलान किया हुआ है। इसने 72.66 के प्राइस में ये शेयर अलॉट करने का ऐलान किया है, तो कल के ट्रेडिंग सेशन में इस शेयर में भी उछाल बनी रह सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं रेड बटन के ऊपर क्लिक करके। अगर आप पहले से ही हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता है हम स्टॉक मार्केट और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस डालते ही रहते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए ताकि YouTube हमारे वीडियो को प्रमोट कर सके, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही ऑसम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे।